माई चैनल. माई नेम इज़ खैरुल निशा एंड यू वॉचिंग मी ऑन निशोपीडिया. जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं, मैं उन लोग को बता दूँ कि मैं यहाँ पर लाइफ स्टाइल, होम डेकोर और स्टाइलिंग रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ. तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप अपने घर पर ही रखी हुई पुरानी कुछ कांच की बॉटल या प्लास्टिक कंटेनर से किस तरीके से खूबसूरत से हैंगिंग प्लांटर्स घर पर बना सकते हैं. आई होप ये आप लोग को पसंद आएगा. तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला प्लांटर बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ग्लास की बॉटल. आप किसी भी तरीके की ग्लास की बॉटल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 3 ग्लास की बॉटल्स ली हैं. फिर हमें चाहिए बेस कोट करने के लिए गेसो और 3 अलग अलग एक्रेलिक कलर्स और ब्रश. तो सबसे पहले हम अपनी जो बॉटल्स हैं उनको गेसो से एक बेस कोट कर लेंगे और उसके बाद हम उनके ऊपर कलर करेंगे. बॉटल पे बेस कोट जो है वो हो चुका है. अब यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब हमारा पेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद क्लियर ग्लॉस का यूज़ ज़रूर करें. तो हमारी बॉटल्स बनके तैयार हैं और वो कुछ इस तरीके से लग रही हैं. मैंने यहाँ पे ये जो पतले वाले वायर्स आते हैं उसकी मदद से इन तीनों बॉटल्स को एक साथ बांध दिया है और ये बांधने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही हैं. आप चाहें तो इसमें पानी भर के मनी प्लांट यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने प्रेफर किया है यहाँ पर मिट्टी भर के प्लांट्स को यूज़ करना, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी में मॉस्किटोज़ बहुत आ जाते हैं. तो उस वजह से मैंने यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल किया है. अब हमारे प्लांटर्स बनके बिल्कुल तैयार हैं और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. आई एम श्योर ये किसी के भी बालकनी में 4 चांद लगा देंगी. तो अब हम अपना दूसरा प्लांटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्लास्टिक के कंटेनर्स लिए हैं और उसमें मैंने दोनों साइड छेद कर दिए हैं इनको हैंग करने के लिए और नीचे एक ड्रेनेज होल. तो इस पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे. पहले हम इसको इसके ऊपर गेसो करेंगे. एक बार जब गेसो हो जाएगा आप अपना डिज़ायर पैटर्न जो है वो उसके ऊपर ड्रॉ कर लें और फिर उसको आप कलर कर दें. तो हमारा प्लांटर बनके तैयार है, दिखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है. इसमें भी सेम मैंने पतली वायर का यूज़ किया है और इसी के हेल्प से हम इसको हैंग करेंगे बालकनी में. ये देखिए, और ये आराम से जो मिट्टी का भार है वो ले लेगी. बट मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरीके से लगाएं और देखिए ये कुछ इस तरीके से हैंग करने के बाद लगेगा.
तीसरा हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी इस टायर का, जो कि मेरे पास पहले से ही रखा था। ये आप किसी भी पंचर शॉप से 30 या 40 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, हम उसके ऊपर मस्किन टेप लगाएंगे ताकि जब हम इसको पेंट करें तो ये उभर के ना आए और एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। मस्किन टेप से कवर करने के बाद इसमें भी सबसे पहला प्रोसेस वही रहेगा कि हम इसमें सबसे पहले एक बेस कोट करेंगे गेसो की, और उसके ऊपर फिर हम अपना मनपसंद कलर करेंगे। ये हमारा बेस कोट हो चुका है और टायर कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर लेमन येलो कलर का एक्रेलिक कलर जो है वो यूज़ करूँगी। मैंने लेमन येलो कलर इसलिए लिया है बिकॉज आप येलो के साथ कोई भी ग्रीन का शेड लगाएं वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, तो इस वजह से मैंने येलो कलर यहाँ पे चूज़ किया है। तो अपने टायर को हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम वायर का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे कम से कम 5-6 फोल्ड लगाए हैं और अब इसको जो है हम नेल पे हैंग करेंगे बिकॉज़ ये बहुत भारी हो जाएगा, तो इसके लिए कील बहुत ज़रूरी होगी। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा यहाँ पर। फोर्थ हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए मैंने जिस चीज़ का यूज़ किया है वो है ये हैंगर, क्लोथ हैंगर क्लिप्स वाले। ये धूप में रहने की वजह से काफ़ी टूट गया है और इसकी क्लिप्स भी सड़ गई हैं, तो मैंने उसको निकाल के साफ़ कर दिया है। और जो यहाँ पर थोड़ा सा टूटा हुआ है उसको पहले तो मैं मस्किन टेप से जोड़ दूँगी और उसके बाद सेम प्रोसेस से इसके ऊपर कलर करूँगी। और जो बीच में यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है उसमें मेरे पास ऑलरेडी एक प्लांटर है जो इसके अंदर फिट हो जाता है, तो मैं ये बना के उस सर्कल में उस प्लांटर को हैंग करूँगी। तो आप ऐसा कुछ अगर आपके पास है तो आप उसको बेशक रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। और अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।